नवजोत रंधावा, वर्ल्ड टी20 की शुरुआत हो चुकी है। पहला मुकाबला 7 विकेट से इंग्लैंड को हराकर, हालांकि वो वार्म अप मैच था, इंडिया ने जीत लिया। लेकिन सबसे बड़ी टक्कर जिसका इंतजार हमें और आपको सबको रहता है, अब वो मुकाबला चाहे वर्ल्ड टी20 का हो, वर्ल्ड कप का हो, कोई भी मुकाबला हो, लेकिन मैदान पर एक तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो तो एक तरफ जीत और दूसरी तरफ टीवी टूटने तय रहते हैं। ये सारी बातें होती हैं और ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना कवियों की कलम से जरा देखें कि आखिर इस वक्त हिंदुस्तान के जहन में, हमारे खिलाड़ियों के जहन में और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के जहन में क्या चल रहा है। तो हमारे साथ सिद्धू साहब मौजूद हैं। दीपक सैनी जी, बहुत स्वागत है सिद्धू साहब आपका। आज मैं आपको सिद्धू साहब ही बोलूँ। अच्छा, देखिए सिद्धू साहब अकेले ऐसे प्लेयर हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स याद आते हैं, उन्होंने भी 96 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। हाँ। लेकिन अब वो पॉलिटिशियन बन गए, लंबे लंबे भाषण देते हैं, और एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दे, भगवान रुकवा सकता या इमरान रुकवा सकता। बहुत अच्छे, इमरान रुकवा सकता। वो लाफ्टर शो में जज बन के आते थे, एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाकर माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो बात है, कला है नदियां नाले पर्वत झरने का अगर सागर। वो बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। टीवी टूटने की चिंता नहीं है मुझे, तो कुछ और टूटने का डर लग रहा है। वो जो पाकिस्तान का एक खिलाड़ी जो है अभी दुबई में था, तो उसने वो 5-स्टार होटल में पहली बार रुका होगा, तो उसने कहा कि भाई वो मुझे तावीज वाली चाय दे दो। तावीज वाली चाय, तो वो वेटर समझ नहीं पा रहा कि इनको क्या तावीज वाली। बड़ी देर के बाद मैं बैठा हुआ था बगल में। हाँ। तो मैंने कहा भाई इधर आओ, ये तावीज वाली चाय का मतलब है डिप वाली टी। तो उनकी बात को समझने में हमको थोड़ा समय लग जाता है, और उनको बात समझाने में समय लग जाता है। आज समझाएंगे ना शंभू शिखर जी। हाँ, हमारे शंभू जी को समझाएंगे। शंभू जी समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे? अभी तक तो नहीं समझा है पाकिस्तान। पाकिस्तान समझा नहीं है, लेकिन उसको समझ तो 1947 से ही आ रही है। हम बाप हैं तुम्हारे। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, और जो बात आपने कही ना, पीसीबी वाले कुछ हद तक समझ गए। अच्छा, कुछ हद तक समझ गए। हाँ हाँ, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, क्या करे बेचारे, मरता क्या ना करता। अपने ही बल से ये अपनी टांग तोड़ते, खुद अपना हाथ से है ये तो कान मरोड़े। एक बार का किस्सा है प्यारे पाक का यही, हर बार का किस्सा है प्यारे पाक का यही, लाते तो पटाखे हैं मगर टीवी फोड़ते। लाते तो पटाखे, पटाखे खरीद के लाते टीवी फोड़ते। क्यों नीर जी, क्या कहेंगे? नीर गोरखपुरी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। आप मैच देखते हैं, क्रिकेट फैन हैं? बिल्कुल। अच्छा, सबसे फेवरेट प्लेयर आपका कौन सा है? अभी तो फिलहाल जैसे पूरा एज यूजुअल सबका ये विराट कोहली देखते हैं। लेकिन सबका ही है, तो हमने सोचा हम भी अपना विराट कोहली बना लेते हैं। कप्तान है तो भाई हमें लगता है कि उनके साथ चल जाए। अभी शंभू भाई ने लगा अनुष्का होगी तुम्हारी फेवरेट, उसी से विराट का टेम्पर हाई होता है। नहीं नहीं, अभी शंभू भाई ने बोला कि पापा है तो मैं उसी पे लेके चलता हूँ। देखिए क्यों जीतता नहीं है विश्व कप में हमेशा, जो है पाकिस्तान क्यों नहीं जीत पाता? हमारे हिंदुस्तान में एक संस्कार होता है, और संस्कार में क्या होता है, आप जब भी किसी बड़े काम पे जाएं, आपको क्या करके तारीफ करनी चाहिए, उसके बाद आप जीतते हैं। मैं कहता हूं कि 20 ओवर तक खेलना मुश्किल है, 20 ओवर तक खेलना मुश्किल है, जीत की फसल सींचना मुश्किल है, खेल से पहले पापा के पैर छूते नहीं, बेटा बाबर तुम्हारा जीतना मुश्किल है। देखिए पाकिस्तान कैसे जीतेगा, देश में भाजपा की सरकार है और उनका कैप्टन बाबर है। मैं मुश्किल है। मैं तो जी विराट का फैन हूँ, जैसे शंभू ने बताया, इनने भी कहा। तो विराट पे प्रेशर बहुत है, लेकिन इस बार कोई प्रेशर नहीं है जी। हाँ। रिलीज करवा दे, वो उसका रिलीज प्रेशर रिलीज करवा देंगे, सब करा देंगे। मैं बताता हूँ आपको, हमारे विराट का फैन हूँ मैं, उसके लिए एक पैरोडी सुनाता हूँ कि तेरे बल्ले से निकलती है बॉल ऐसे ओ कोहली, जैसे जैसे बंदूक की गोली, तेरे बल्ले से निकलती है बॉल ऐसे ओ कोहली, जैसे जैसे बंदूक की गोली, तेरे तेवर को जो देखा तो अनुष्का भी ये बोली। तेरे तेवर को जो देखा तो अनुष्का भी ये बोली, कोहली कोहली। तेरे तेवर को जो देखा तो अनुष्का भी ये बोली, कोहली
कोहली ले मैं तेरी होली, छाया क्रिकेट का नशा देश के दिल में बसा, छाया क्रिकेट का नशा देश के दिल में बसा, एक बस कप की आस है बाकी सब फर्स्ट क्लास है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है सिद्धू साहब, कमेंट्री कर रहे हैं। सिद्धू जी से कल मेरी बात हुई, पता है, मैंने सपने में उनसे पूछा, मैंने कहा सिद्धू जी ये बताइए कौन जीतेगा। सिद्धू जी बोला गुरु गेंद की कोई गति नहीं, बल्ले की कोई मति नहीं, यॉर्कर पे चलता जोर नहीं और सीमा का कोई छोर नहीं, लोग टूट जाते हैं 99 रन बनाने में, अंपायर तरस नहीं खाते उंगली उठाने में। बहुत अच्छा। मैंने सिद्धू जी ये बताइए जीतेगा कौन, गुरु पृथ्वी का कोई तोल नहीं, पारस का कोई मोल नहीं, साधु का कोई साधु की कोई जात नहीं, करो ऐसी बात नहीं, ब्रेड से अच्छा टोस्ट नहीं और इमरान से अच्छा दोस्त नहीं। फिर पूछा मैंने सर जीतेगा कौन, बोले बेकार सवाल उठाने वाले, इसमें मुझे फंसाने वाले, मैं चाहता हूं कि मुकाबला इतना हाई हो जाए, ना दोस्त हारे ना देश हारे, मुकाबला टाई हो जाए। टाई की दूर दूर तक आस लग नहीं रही है। चार लाइनों का आनंद लीजिए, टाई वाई चार के बाद ही आप निपटा देंगे सब। कर देंगे ढीले नखरे तेरे और तेरे तेवर, कर देंगे ढीले नखरे तेरे और तेरे तेवर, तू चख नहीं पाएगा कभी खुशियों का घेवर, तू चख नहीं पाएगा कभी खुशियों का घेवर, बगले तू झांकते फिरेगा पाक देखना, ऐसा मजा चखाएंगे अनुष्का के देवर। शंभू भाई एक इसी बात पे मैं छोटी सी कविता, तो देखो आप सामने बताया कि ये होने वाला ही होने वाला है और हर बार जो विश्व कप में होता है वो होता रहा है, मैं एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखता हूँ कि होगा क्या, और वही होता है जो हर बार होता है। हाँ। और लेकिन इन पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं हमारे, इनकी चिंता सबसे बड़ी क्या है जो हर बार जो होती है, मैं आपको कविता के बीच में रखता हूं, हमें चिंता सी हो रही है सरसरी, हमें चिंता सी हो रही है सरसरी, आपकी हारे तो हो जाएगी सर्जरी, आपकी हारे तो हो जाएगी सर्जरी, इस सर्जरी से मर नहीं जाएंगे पर तय है कि घर नहीं जाएंगे, पर तय है कि घर नहीं जाएंगे, हार गए तो सब्र उठेंगे, टीवी एलईडी फिर से टूटेंगे, टीवी एलईडी फिर से टूटेंगे, छुपकर घर सब सहना होगा, बुर्का पहनकर रहना होगा, ओए होए ये तो बुर्का पहनकर रहना होगा, बहुत अच्छे, क्या मुंह लेकर जाएंगे हम, खूब गालियां खाएंगे हम, प्रेस के सामने मुंह खोलने से बचा लो, हमें कोई अंग्रेजी बोलने से बचा लो, कोई अंग्रेजी बोलने से बचा लो। अब अगली देखिए, हर पंक्ति में व्यंग, हार के बाद हर दर चूमना होगा, हार के बाद हर दर चूमना होगा, हफ्तों औरत बनकर घूमना होगा, हफ्तों औरत बनकर घूमना होगा, कुछ करो जिससे हम डरे रे बाबा, कुछ करो जिससे हम डरे न रे बाबा, अल्लाह के नाम पे एक जीत दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पे एक जीत दे दे रे बाबा, ऐसा नहीं कि हमसे खेला नहीं जाता, ऐसा नहीं कि हमसे खेला नहीं जाता, बस पेट खराब है प्रेशर झेला नहीं जाता, पेट खराब है प्रेशर झेला नहीं जाता, मजबूरन हर विश्व कप में आना पड़ता है हर बार, मजबूरन हर विश्व कप में आना पड़ता है, हार के बाद सलून नहीं पार्लर जाना पड़ता है, हालत हो जाती है आतंकियों से बुरी ही, हालत हो जाती है आतंकियों से बुरी ही, वो तो खुला घूम सकते हैं पर हम नहीं, वो तो खुला घूम सकते हैं पर हम नहीं, लात घूसों के तराजू में तोलने से बचा लो, हमें कोई अंग्रेजी बोलने से बचा लो, बहुत अच्छे, हमें कोई अंग्रेजी बोलने से बचा लो, अंग्रेजी की कमेंट्री आ जाए तो क्या करेंगे फिर सिद्धू साहब, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन देखो पाकिस्तान के जो कैप्टन है ना, उनके दोनों हाथों में लड्डू है भाई, अगर जीत गए तो हीरो बन जाएंगे, आज तक जीते नहीं वर्ल्ड कप में, और अगर हार गए तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अच्छा इंडिया में डिमांड उठ रही है कि अभी कश्मीर के अंदर जो भी कुछ भी चल रहा है उसके चलते मैच रद्द हो जाए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बहुत शानी है, हमारी जो सरकार है हमसे 100 साल आगे सोचती है। मैंने सरकार से बात की, मैंने कहा जी मैच रद्द होना चाहिए, हमारे सीमा पे क्या क्या हो रहा है, तो सरकार ने जवाब दिया, बोले हम भी सोच रहे हैं कि मैच रद्द करें। मैंने कहा जी कब सोचोगे, बोले 5 ओवर होने के बाद पोजीशन निपटा देंगे। और इंडिया के जो प्लेयर हैं और हमारे जो, देखो पाकिस्तान हमारा खर्चा उठा ही नहीं सकता है, पाकिस्तान हमारा, हम तो इतना बड़ा देश है हमारा, पाकिस्तान तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हमारा खर्चा इतना महंगा है कि सानिया का खर्चा उठाने के लिए शोएब मलिक को अब तक खेलना पड़ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की टीम के लिए मैं तो अपनी पैरोडिकल स्ट्राइक से ही काम चला लेता हूँ, वही काम कर जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, कि पाकिस्तान के
अपने सामने हर मैदान में छूटे हाय रे पसीने, धीमे 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 निपट गए फ्री में 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 के शर्मा से पाकिस्तान की टीम हमारी टीम के खिलाड़ियों से क्या क्या भय खाती है के शर्मा से शर्माता है भुवनेश्वर तड़पाता है आजम फिकर में डूबा है कोहली से घबराता है बाबर बोला अरे बुमराह फेंक न धीमे 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 अरे बॉल तो मैं छू कर निकले बॉल तो मैं छू कर निकले कैच तेरे हाथ से फिसले हार तेरी तय है लिख ले मान जा अब भी पगले अरे जो कोहली है कोहली है कोहली ये बिल्कुल गोली है गोली है गोली अरे जहां खत्म तुम होते हो शुरू वहां हम होते हैं भूल गया तू रिश्ते में बाप तुम्हारे होते हैं अरे सच सच बोल ना पगले क्या है तेरे जी में धीमे 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 वो कह रहे हैं सुदीप जी की सच सच बोलना पगले तो सच क्या है हर वक्त रहता पाक काजी देखो भी पिलो हर वक्त रहता पाक काजी देखो भी पिलो खुद की पतंग काट के खुद बोले आई बो खुद की पतंग काट के खुद बोले आई बो कोई नहीं खरीदता है आईपीएल में तो तुम अपनी टीम चाहे ओएलएक्स पे बेच दो ओएलएक्स पे आईपीएल में तो खरीद नहीं रहा अरे समूह का इसमें ना पाकिस्तानी प्लेयरों की भी एक दिक्कत है वो हर बार क्या होता है उनको लगता है कि यार हमें जानबूझ के हमें भेजा जाता है ऐसे हम जीतते तो है नहीं अब वो क्या कह रहे थे इस पे प्रताड़ित है रमीज रजा खुद ही बेचारे कह चुके हैं बार बार की बीसीसीआई ना होती तो हम चल ही नहीं पाते पीसीबी का होता क्या बिल्कुल ठीक बात है और इसमें देखिए पाकिस्तान को अब क्या लग रहा है इतनी टाइम से विश्व कप कभी नहीं जीता अब क्या कहते हैं गलत फहमी है कि चुनिंदा होने भेजते हैं गलत फहमी है कि चुनिंदा होने भेजते हैं हमें वो बिना पर का परिंदा होने भेजते हैं ये साजिश है आईसीसी की हमारे खिलाफ जी वो विश्व कप में हमें शर्मिंदा होने भेजते हैं अच्छा उनके जितने फास्ट बॉलर है ना बहुत तगड़े तगड़े फास्ट बॉलर पाकिस्तान की टीम में आए हैं जो 150-150 किलोमीटर की स्पीड पे बॉल फेंकते थे इस बार उनकी स्पीड आधी रह जाएगी पूछो क्यों कैसे वैक्सीन लगवा रखी और उसका पास है हाँ लेट लगी है ना उनको हमने तो भेजी है अच्छा कोरोना का भी लाभ हमें मिलेगा देखो स्लिप में 6-6 स्लिप खड़ी कर देता था शोएब अख्तर हमारे प्लेयर कैच हो जाते थे अब कोरोना के गाइडलाइंस है एक प्लेयर स्लिप में खड़ा होगा दूसरा थर्ड मैन पे तीसरा गली में खड़ा होगा एक साथ खड़े नहीं डिस्टेंसिंग खड़े नहीं हो सकते अच्छा ये बताइए कि धोनी अब क्योंकि रहेंगे साथ में एक मेंटोर के रूप में पूरी टीम के साथ होंगे तो वो कितना असर होगा क्योंकि धोनी तो ऑलरेडी जीत चुके हैं एक बार T20 वर्ल्ड कप सबसे पहला धोनी के रहने का तो फर्क पड़ेगा क्योंकि वो मेंटोर है और वो अकेले ऐसे मैन है जिनका पूरी दुनिया में टोर है पाकिस्तानी टीम इसलिए भी डरी हुई है मेरे सपने में आया था कल बाबर आजम मैंने उसको बता दिया मैंने कहा बेटा दुबई के स्टेडियम में लाइव कमेंट्री होगी और जीडी बख्शी करेंगे ओहो इमरान खान की बात हुई तो मेरे को याद आ गया कि इमरान खान तेरी और कर इमरान खान की टीम की और कर इमरान खान तेरी और कर धोनी रख देंगे धोकर और धोनी की छोड़ दो हमारे भज्जी वो भी बैठ जाए ना अगर ड्रेसिंग रूम में तो गजब मजा आ जाएगा कि इमरान खान तेरी और कर धोनी रख देंगे धोकर धोनी की छोड़ दे भज्जी तेरी उड़ा के रख दे धज्जी हर प्लेयर हेलीकॉप्टर शॉट लगाएगा हाँ। 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 5 जीत चुके हैं हम अब देखिएगा छठवां कैसे जिताते हैं कि इमरान खान तेरी और कर धोनी रख देंगे धोकर धोनी की छोड़ दे भज्जी तेरी उड़ा के रख दे धज्जी हर सैनिक हेलीकॉप्टर शॉट लगाएगा ए, इतने छक्के मारेंगे गिन नहीं पाए इतने छक्के मार
रहेंगे गिन नहीं पाएगा। गजब गजब गजब। वैसे ये एक ट्विटर वॉर भी चल रही है पाकिस्तानी खिलाड़ी और भज्जी के बीच में। जी जी, सही कहा आपने कि भज्जी मैदान संभाले हुए हैं, वो संभाले भले उस मैदान में हो या सोशल मीडिया वाले मैदान में हो। अच्छा, अभी इमरान खान के पास ना भी जब बाबर गया, जीत हार गए, मतलब जब इंडिया जीत गई वापस गया, तो इमरान खान ने क्लास लगाने के लिए बुलाया। तो देखिए मैं फिर चार लाइन देता हूँ, चौथी लाइन बाबर आजम का जवाब है, मैं आप देखिएगा इमरान खान क्या डांट रहे हैं किस तरह से। जी, दो दो लीटर दूध पीते थे तैयारी करके भेजा था ना उनको कि दो दो लीटर दूध पीते थे, महंगे टेलर कपड़े सीते थे, महंगे टेलर कपड़े सीते थे, हार के आ गए बेशर्म तुम। तो बाबर कहता है सर जब आप गए थे तो जीते थे। ये देखिए कि करना है क्या भला हमें कुछ और जीत कर, करना है भला क्या हमें कुछ और जीत कर, बल्ले पे उठा लाओ नया ठौर जीत कर, क्रिकेट नहीं ये है जंग, क्रिकेट नहीं ये, क्रिकेट नहीं ये है जंग समझे विराट, लाना है हमें कप के साथ लाहौर जीत कर, लाना है कप के साथ ही लाहौर जीत कर। गजब गजब, बहुत बढ़िया, लाहौर एक साथ लिया है। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो भी अब उनका मन कर रहा है कि वो भी जाएं और मैच देखें, तो दोनों साथ ही साथ में बैठे हैं, फिर क्या होगा? देखिए, अब इमरान खान देखने आए हैं या और होने वाले राष्ट्रपति देखने आए, नतीजे सबको पता है। हाँ। तो ये सब सारे गाने वाले कवि हैं, मैं भी आज गाने की कोशिश करता हूँ और मैं बहुत ही बुरा गाता हूँ और पाकिस्तान के साथ मैच है इसलिए मेरा गाने का फर्ज बनता है, पाकिस्तान पे अच्छा क्यों गाऊं। हाँ। तो पाकिस्तान बढ़िया। हाँ, पाकिस्तान पे सुना। तो गाओ। दुनिया आंखें जमाए बैठी सारी, दुनिया आंखें जमाए बैठी सारी के इंडो पाक मैच आ गया, दोनों टीमों की जम के तैयारी के इंडो पाक मैच आ गया, हरदम कहते हैं कि पूरी तैयारी से आए, हर बार ये कहते हैं पूरी तैयारी से आए पाकिस्तान फिर हार के जाते हैं, हरदम कहते हैं कि पूरी तैयारी से आए हैं, नए नए हथियार सरीखे बॉलर लेकर आए हैं, भारत के बल्लेबाजों ने ऐसे रंग जमाए हैं, तीन दशक बीते पर पाकी अब तक जीत न पाए हैं, फिर हारने की उसकी तैयारी से इंडो पाक मैच आ गया। अब देखना पूरी दुनिया में क्या हाल है इस मैच का, टकटकी लगा के बैठी दुनिया भारत से अमेरिका तक, सब जगह चर्चा चल रही है, टकटकी लगाकर बैठी दुनिया भारत से अमेरिका तक, चर्चा है बस इसी मैच की आईसीसी से फीफा तक, फीफा चर्चा है बस इसी मैच की आईसीसी से फीफा तक, थिरकेंगी चीयर लीडर्स अब ईना मीना डीका तक, लंबे लंबे पड़ेंगे छक्के जाएंगे बुर्ज खलीफा तक, फिर हारने की पाकिस्तान की बारी के इंडो पाक मैच आ गया, सारी दुनिया कर रही है तैयारी। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। गजब, तो बुर्ज खलीफा बाबर मियां तुम अपनी बस दुकान बचाना, पता नहीं कब शटर डाउन हो जाए। बाबर मियां तुम अपनी बस दुकान बचाना, सुन ले अली तू कोहली से जान बचाना, सुन ले अली तू कोहली से जान बचाना, बेटा फकर जमान अपना मान बचाना, मैदान में बुमराह से अपने कान बचाना। धोनी की तारीफे तो परवेज मुशर्रफ साहब भी कर चुके हैं, याद होगा वो सीन आपको, बाल बाल धोनी बाल मत कटवाना, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, अब ये बार बार सही कटवाएंगे जो उनका कैप्टन है। अच्छा, मैं भेज रहे हैं पाकिस्तान। मैं 15 मिनट पहले बता देता हूँ, बाबर आजम आउट होने वाला है, वो च्युइंगम धीरे चबाने लग जाता है। अच्छा, अरे मुझे पता लग जाता है। हमारा तो एक दोस्त बहुत गजब का राष्ट्रवादी आदमी है। हाँ। उसने एक मतलब स्वदेशी उत्पाद का भी वो कर दिया, विज्ञापन भी कर दिया और नारा भी दे दिया, तेल खरीदो डाबर का, विकेट उड़ा दो बाबर का। बहुत अच्छे, क्या बनाया।
ये जीत बड़ी है मस्त मस्त, ये जीत बड़ी है मस्त, नहीं पाकिस्तानी दोष दोष, वो जन्म से है बेहोश होश, दिखलाने का है जोश जोश, खुद हो जाएगा नष्ट नष्ट, ये जीत बड़ी है मस्त मस्त, जीत बड़ी है मस्त। अब सुनिएगा, टीम इंडिया सब पर भारी कर बैठे फिर है तैयारी, निपटाएंगे फिर एक बारी, टीम इंडिया हाँ सब पर भारी, सुन हाफिज सुन मकसूद सूद, बहुत अच्छे, सुन हाफिज सुन मकसूद सूद, मत उछल वुछल मत कूद बूद, जब तक बुमरा मौजूद जूद। केवल भिड़ाया है, बहुत अच्छे, यही लेवल है। देखो कभी कभी हम लोग खेलते क्रिकेट खेलते तो एक पट्टा शॉट होता था, बल्ला घुमा दो लग तो जाएगा ही, ये वही है के सुन हाफिज सुन मकसूद सूद, मत उछल बुछल मत कूद बूद, जब तक बुमरा मौजूद जूद, उड़ जाओगे जूं डस्ट डस्ट, ये जीत बड़ी है मस्त मस्त, ये जीत बड़ी है मस्त। पांच बार से लग रहा है धक्का, कोहली मारे गा अब छक्का, रह जाएगा तू हक्का बक्का, कोहली मारे गा अब छक्का, अक्षर भुवनेश कुमार मार, अक्षर भुवनेश कुमार मार, अय्यर के साथ चहार यार, के एल राहुल की मार मार, ठाकुर कर देगा बस्ट बस्ट, ये जीत बड़ी है मस्त मस्त, मस्त जीत बड़ी है मस्त मस्त। वीर जी नहीं, मैं हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें, एक हमारे नेता हैं उत्तर प्रदेश के, हाँ। दीपक भाई, हाँ। वो मैच नहीं देखते हैं वैसे, हाँ। आप भी जानेंगे जब आप, तो आप मैं जब नाम लूंगा आप समझ हाँ। जाएंगे वो, लेकिन विश्व कप में हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच जरूर देखते हैं, हाँ। और क्यों देखते हैं, उनकी पीड़ा समझने की कोशिश करना आप व्यंग आप समझेगा, मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की, वो खाली विश्व कप का मैच जरूर देखते हैं, और क्यों देखते हैं ये सुनो आप, वो क्या कहते हैं, मैंने कहा क्यों देखते हो, रीजन क्या, तुम नेताजी का अपना अंदाज, हमारे मैच से जुनून मिलता है, जीत के बाद एक्स्ट्रा खून मिलता है, जीत के बाद एक्स्ट्रा खून मिलता है, जब पीटे कोई बाप अपने बेटा को, जब पीटे कोई बाप अपने बेटा को, हमें कसम से बड़ा सुकून मिलता है। देश के अकेले ऐसे नेता है जिनका भाषण तीन पीढ़ियां समझ नहीं पाई, अच्छा। मुझे समझ में नहीं आया, मेरे पिताजी को नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए, अच्छा मुझे तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आता कि बोलते क्या है, अखिलेश जी से किसी ने पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, बोले उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा ये उनको भी नहीं पता, समझ में। चलिए मुलायम जी मैच देख रहे हैं, बीच में अखिलेश जी आ जाते हैं, मुलायम जी मैच देख रहे हैं तो उनकी एक ही बात समझ में आएगी कि बहुत बड़े छक्का मारा, इसके अलावा क्या बोला पता ही नहीं लगेगा, वो जैसे भाषण देंगे पाकिस्तानी टीम को इस बार हार से कोई इतना ज्यादा डर नहीं है, मैं बताऊं आपको बिल्कुल, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हो गए पाकिस्तान के अंदर, हम तो वर्ल्ड कप लेके आ रहे हैं, वर्ल्ड कप लेके आ रहे हैं, हमारा वर्ल्ड कप तो यही है 24 तारीख को, बिल्कुल हमें तो नाम पाकिस्तान की वैल्यू नहीं, हमें तो पूरे इंडिया में मैं बताऊं उनके 11 प्लेयरों के नाम भी किसी को नहीं पता होंगे सिवाय सटोरियों के। ना मजा है ना ही प्यार में मजा, ना इश्क में मजा है ना ही प्यार में मजा, सट्टे का मजा है ना ही व्यापार में मजा, दुनिया को मजा आता हो किसी भी काम में, हमको तो आता है सदा, हमको तो आता पाक तेरी हार में मजा, हमको तो आता पाक तेरी हार में मजा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भले ही क्रिकेट से कोसों दूर हो, लेकिन हाँ अगर आज इंडिया और पाकिस्तान खेल रहा है तो सभी लोग टीवी स्क्रीन के सामने देखते हैं, राजनाथ सिंह जी उनका मैच देखते हैं, राजनाथ जी अगर वहाँ कमेंट्री करते हैं तो पता कैसे करते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में, मेरा बहुत पसंदीदा नेता है वो,
अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न पाकिस्तान के साथ मैच का है तो स्पष्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। मतलब इसने, मतलब राजनाथ सिंह जी ऐसा लग रहा है कि फिरकी मार रहे नहीं कि मानो ना मानो पर बात है सच, इस बात पे ना है रानी। हमारे बाबा रामदेव जी ने हमारे हमारे खिलाड़ियों के तरह योगा करा करा के चुस्त दुरुस्त बना रखा है, और उन लोगों की हालत क्या है, गधे बेच बेच के उनकी हालत में पता है कि मानो ना मानो पर बात है सच, इस बात पे ना है रानी। हाथ में आया कैच छोड़ के हारे मैच, हरकत है बचकानी। ये तो वो है जो खुद बाम के बम, ये तो वो है जो खुद बांध के बम, खुद को ही यहाँ उड़ा लें, किसी और की इनको जरूरत क्या, खुद अपनी नाक कटा लें। व्हाट्स द नेम शेम शेम शेम, ये तो है ढीला ढीला पाकिस्तान। अरे ये तो है ढीला ढीला पाकिस्तानी, क्या लेगा कश्मीर गेंद जब तेरे हाथ ना आनी। अरे 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 ढीला ढीला पाकिस्तानी। अब मैंने रमीज राजा जी का वो सुना, क्या हालत हो गई, कह रहे हैं भारत जब बीसीसीआई जो चाहे वो करा दे, लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, छोड़ छोड़ के चले जाते, बोले हमें नहीं खेलना तुम्हारे। अब सुनिएगा कि हालत हो गई फट्टी चर, अरे 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 अरे, अब हो गई कि हालत हो गई फट्टी चर, अरे 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 अरे, इन पे चढ़ गए सन्नीचर, अरे 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 अरे, कि पाकिस्तानी टीम को हमसे जीते हो गए अरसे रे, पाकिस्तानी टीम को हमसे जीते हो गए अरसे रे, ऐसे तरसे जीत को जैसे बेघर हो कोई घर से रे, मानो ना मानो पर बात है सच, ये बात नहीं अनजानी, अरे ढीला ढीला। देखिए पूरी टीम में ना एक 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 शानदार बात है, मैं बिहार से आता हूँ, कि तुमको निपटाने की खातिर एक सुपारी काफी है, तुमको निपटाने की खातिर एक सुपारी काफी है, वैसे तो तुम पर पहले से चढ़ी बहुत ही उधारी है, वैसे तो पहले से तुम पर चढ़ी बहुत ही उधारी है, बाकी पूरी टीम हमारी दिवाली का बोनस है, मैच हराने को केवल बस एक बिहारी काफी है, मैच हराने। शंभू तो तुम तो बस खड़े हो जाना उसके खिलाड़ी खिलाड़ी करके बैट्समैन के सामने, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाए। बिहारी की बात की तो अगर कोई पूर्वांचल का नेता मैच देखने जाएगा, हाँ। मनोज तिवारी जी, अरे वाह, अगर वो जाएंगे तो कमेंट्री करेंगे तो, अरे भैया जानते हैं, बहुत अच्छे, ये जो पाकिस्तान का टीम है ना, ये कोई टीम नहीं है, हमने सारा वहां पर गुटका खाकर थूका है, पिच गीला कर दिया है, निश्चित रूप से हारेगा पाकिस्तान। क्या बात है, क्या केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी ने कमेंट्री की। देखो हर नेता योगदान देना चाहता है कि हम पाकिस्तान से जीते हैं, सबका योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना, चाहे वो छोटा ही क्यों ना, तो केजरीवाल भी अपना योगदान दे रहे हैं मैच में, कैसे कह रहे हैं देखिए। नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है दुबई के अंदर, अब दिल्ली का सीएम होने के नाते मैंने ये फैसला किया है, क्योंकि हमारे पास कोयला कम बचा है, इसलिए थोड़ा छोटा फैसला है। दुबई के अंदर जब बॉल विकेट पर लगेगी तो उसके अंदर एक लाइट जलती है, वो लाइट मैं फ्री दूंगा। वो तो एक हफ्ते से एक दिन का बचा है ना, इसलिए फैसला छोटा कर दिया। अब एक दृश्य देखिए पैरोडी में, मैंने बताया स्वागत, मैच हो गया है, इंडिया की बैटिंग है, मैं दृश्य देता हूँ, 300 लग गए हैं भाई 20 ओवर में, पाकिस्तान के विकेट भी गिर गए हैं 3-4 अब भाई, अब जो बाबर आजम है भाई वो टेंशन में, अब वो क्या समझ में आया, वो उस पे पैरोडी लो, किसे भेजूं मैं क्या खेलूं कि बन गए अब 300 यहाँ है, क्या बात, न बॉलिंग ही चली जब की न बैट ही चल रहा है, क्यों ये सपना सपना बना है, विश्व कप में क्या
जीतना मना है, क्या बोलेंगे हम जाके पाकिस्तान में, कोई तो बता। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से फिर टकरा गई के आ गई हार बन यहाँ। जो भेजी थी दुआ जो भेजी थी दुआ नहीं, जो भेजी बद्दुआ। भारत की सारी जनता ही खुशी खुशी से झूमेगी और तिरंगे को अपने ये बार बार ही चूमेगी। यूएई की पिच पर पांड्या ऐसा छक्का मारेगा, सीधे जाकर गेंद कराची की गलियों में घूमेगी, सीधे जाकर गेंद कराची की गलियों में घूमेगी। तो गेंद का ना यही हाल होने वाला है और मैं पाकिस्तान के लिए चार लाइनें बहुत देर से रोके पड़ा हूँ और वो मैं सुना देता हूँ। रिलीज कर दीजिए। हाँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रिलीज तो करना ही पड़ेगा। कि बल्ले को थामने की अदावत न करोगे, बल्ले को थामने की अदावत न करोगे और गेंद पकड़ने की हिमाकत न करोगे, धोएंगे तुझे बीच ही मैदान में इस तरह, फिर बाप से टकराने की हिम्मत न करोगे, फिर बाप से टकराने की हिम्मत न करोगे। हम क्या चाहते हैं हिंदुस्तान? अपनी टीम से क्या चाहते हैं कि आज की शाम लगे जैसे हो ड्रीम कोई, आज की शाम लगे जैसे हो ड्रीम कोई, टीम इंडिया के जैसी होगी ना टीम कोई, शर्मा और बुमराह है मूड में और धोनी इमोशन में, कप लेके ही आना इंडियन ओशन में स्लो मोशन में। अपने को तो कब चाहिए बस। बल्ले से देखना ये धाई धाई करेंगे, सर्दी में तुझे हम तो बेरजाई करें। सर्दी में तुझे हम तो बेरजाई करेंगे, मैदान का हो मैदान जंग का हो चाहे खेल का हो, हम भारत के वीर बस तेरी कुटाई करेंगे। अच्छा अभी ना चल रहा था, मैं देख रहा था बड़ा मिस के मीम वगैरह भी चलते हैं अभी। कोहली का क्या था, ये पाकिस्तानी टीम को बैठी हुई है तो साहब मीटिंग कर रहे हैं, बाबर बोलता है ऐसा है अब कि कोहली को 100 रन नहीं मारने देने, नहीं मारने देने कोहली को 100 रन नहीं मारने देने। तो कहते हैं बाबर आजम से पूछते हैं सारे, लेकिन क्या रणनीति क्या है, कहता 90 पे ऑल आउट हो जाओ। 90 पे ऑल आउट हो जाओ। कोहली का इतना डर है, मैं बताता हूँ, मैंने बाबर आजम से बड़ा वो चला, मैंने पूछा भैया आप लोग सोते कब हो? हाँ। इतना प्रैक्टिस होता है, इतना दिन भर होता है, आप लोग कहाँ सोते हो? क्योंकि जब इंडिया बैटिंग करते हो सारे छक्के ऊपर ऊपर निकल जाते हैं, आप लोग सोते कब? देखो उनकी स्ट्रेटेजी क्या है सुधीर भाई, वो कहाँ सोते हैं? छुपकर ड्रेसिंग रूम में रो लेते हैं, छुपकर ड्रेसिंग रूम में रो लेते हैं, हार के सपने पहले ही बो लेते हैं। हमारी तो नीत की गोली है कोहली, हमारी तो नीत की गोली है कोहली, वो धोता हम ग्राउंड में सो लेते हैं। नो, वो धोता हम ग्राउंड में सो लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये बात केजरीवाल साहब तक भी पहुंची है कि मैच टाई कराने की बात हो रही है, तो फिर वो लाइट कैसे फिट होगी? हमने दिल्ली के अंदर एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें बिना कोयले के बिजली बनेगी। हमारे मंत्री भाषण देंगे बिजली बनती चली जाएगी, तो उसके बाद जो हमारे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं उसके अंडरग्राउंड तार जाएगा समुद्र के नीचे से होकर, जो डायरेक्ट दुबई में फिक्स हो जाएगा। अच्छा। वो जैसे फिक्स होगा तो गेंद अगर उस पर लगेगी विकेट पे तो लाइट जलेगी, उसका सारा श्रेय मुझे जाएगा। बहुत अच्छा। ये सारा श्रेय मुझे जाता है और किसी को नहीं जाता, ये तो नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, वरना तो मैंने कब की लाइट लगा दी होती। मैं ऐसी विकेट बना देता बिना जले ही लाइट, बिना बॉल पे लगे ही लाइट जल जाती और हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत के आ जाती, लेकिन ये होने नहीं दे रहे। तो देखिए ये तो बात है, लेकिन एक बात और है, आजकल अगर ये मैच भारत में जैसे प्रस्तावित था पहले नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि यहाँ अभी बारिश बहुत हो रही है, अगर होता तो शायद बारिश नहीं होती। और बात होता तो बारिश नहीं होती। हाँ। तो लेकिन केजरीवाल का जिक्र आया तो मैं चार लाइनें बारिश और उनसे जोड़ते हुए और फिर वापस क्रिकेट पे, क्योंकि क्रिकेट का और बारिश से बड़ा अच्छा वो है। एक ऐसा एक टाइम पे तो
टेस्ट क्रिकेट होता था और बारिश शुरू हो जाती थी, जहां जहां सूखे पड़ते थे ना वहां टेस्ट क्रिकेट कराए जाते थे। लेकिन ये चार लाइन सुनिएगा, कैसी ये देश की है राजधानी हो गई, भूली हुई बिसरी हुई कहानी हो गई, दिल्ली की सड़कें कह रही है केजरीवाल से, सैया ने ऐसे देखा पानी पानी हो गई, सैया ने ऐसे। लेकिन क्रिकेट जो है ना, इस पे चार लाइनें सुनिए बिल्कुल सर्जिकल की तरह, कि करना है जो भी खेल ऑन स्पॉट करेंगे, ढीली है जिसकी पेच उसे टाइट करेंगे, उतरेंगे अगर पिच पे भारत के खिलाड़ी, बल्ले से अपनी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, बल्ले से अपनी सर्जिकल ये स्ट्राइक करेंगे, तो भारत के खिलाड़ी कुछ भी कर सकते हैं। वैसे लग रहा है कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। बिल्कुल जी बिल्कुल, धोनी साथ है, सर्जिकल नहीं हो पाएगा दरअसल, बल्ले से सर्जिकल स्ट्राइक। ये हम पाकिस्तान में घुस के मारना था ना, अभी हाँ। यूएई में मारना है तो, वो भी वही बैठे हुए हैं सारे, तो दर्जी कल होगा नहीं जब ऐसे मर्जी मानेंगे मर्जी कल होगा, नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। जब तुम लोगों ने केजरीवाल की बात की तो सर्जी कल होगा सर्जी कल होगा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जी। अच्छा वैसे अभी आपने बोला कि भारत में मैच होने वाला था, और भारत में भी होने वाला तो लखनऊ में होने वाला था। अच्छा। लेकिन क्योंकि कप्तान का नाम क्या है, बाबर और आजम, और यूपी में इन दिनों दोनों की हालत खराब है, इसलिए बाबर आजम ने मना करा भी मैं तो नहीं जाऊंगा खेलने होता तो पाकिस्तान की टीम छक्के मार ही नहीं पाती, वो कहते जी पहले आप मारिए, बाबर कहता पहले आप मारो, वो सरफराज कहता नहीं पहले आप मारो कि विकेट न पाओगे बॉलिंग में बस छक्के ही खाओगे, विकेट न पाओगे बॉलिंग में बस छक्के ही खाओगे, विकेट न पाओगे बॉलिंग में बस छक्के ही खाओगे, जीत का झंडा तुम तो अपना कभी नहीं लहराओगे, सब कहते हैं पाकिस्तान को शर्म नहीं आती, लेकिन शर्मा जी का बेटा आएगा तो तुम शर्माओगे, शर्मा जी का बेटा आएगा तो तुम शर्माओगे, टीम हमारी मैदान में शेरों सी सज धज आएगी, 20 नहीं रन लेने को पूरे 40 गज जाएगी, अरे बाकियों गलत फहमियों में हर किसना तुम रहना, 2020 में अब के घंटी तेरी बज जाएगी, 2020 में अब के घंटी तेरी बज जाएगी, और बैटिंग तुम्हारी देखना तबाह करेंगे, बैटिंग तुम्हारी देखना तबाह करेंगे, बॉलिंग को देख विश्व वाह वाह करेंगे, पैरों के पास गेंद फेंक तेज यार कर, बुमराह तुम्हें ठीक से गुमराह करेंगे, गुमराह तुम्हें ठीक से गुमराह करेंगे, अब पाक गेंदबाजों की न एक चलेगी, टूटे चाह जीतने के फिर भी पलेगी, मारेगा सिक्स जो वहां विराट कोहली, फिर बॉल वो दुबई से तो मुंबई में गिरेगी, फिर बॉल वो दुबई से तो। और एक बात है, अगर ये वर्ल्ड कप वाकई इंडिया में हो रहा होता तो पाकिस्तान का सबसे पहले कैप्टन गिरफ्तार होता। अच्छा, क्योंकि पिछली बार जब टॉस हुआ था वो कोइन लेके भाग गया था। अच्छा अभी जब पता क्या हुआ, अभी मोदी जी से सब कह रहे हैं, जैसे भाजपा को सब बोल रहे हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो एक पिक्चर आई थी गब्बर इज बैक, उसका एक डायलॉग भाई साहब नरेंद्र मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि भैया होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उस डायलॉग का देखो वही है, वो कहते हैं भाइयों बहनों ये मैच तो होना चाहिए, मैच तो होना चाहिए भाइयों बहनों, मैच तो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी बॉर्डर पे तोड़ रहे हैं, और पाकिस्तानियों जो मजा तुम्हारी अगर तोड़ने में है वो हड्डियां तोड़ने में नहीं नहीं देखिए पाकिस्तान क्रिकेट को ना एक बड़ी आपत्ति है कि यार ये लाल कार्ड जो है ना ये क्रिकेट में क्यों नहीं दिखाते, हम दिखा के राशन ले आते मैं तो आपसे दीपक जी जानना चाह रही हूँ कमेंट्री बॉक्स में सबसे बढ़िया कमेंट्री किसकी होगी इस वक्त,
सबसे बढ़िया कमेंट्री जाहिर तौर पे मोदी जी की होगी, उनसे अच्छा, अच्छा कोई बोलता ही नहीं है पूरे विश्व के अंदर, मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच है। हालांकि मोदी जी कमेंट्री करेंगे नहीं, लेकिन अगर वहाँ भारतीय लोग होंगे तो वो करेंगे निश्चित तौर पे। बहुत भारतीय है, वोट बहुत जाते ही है बहुत भारतीय। पाकिस्तान वालों के पास तो इतना है ही नहीं कि वो बेचारे दुबई आ जाए मैच देखने के लिए, वो तो दुबई इसलिए आ रहे हैं मैच खेलने, आधे प्लेयर भी वहाँ टमाटर सस्ते मिलते हैं खरीद खरीद के ले जाएंगे। तो मोदी जी अगर आते कमेंट्री करते वहाँ कमेंट्री बॉक्स में, अगर असली में आप देखना बिल्कुल वैसे ही करते। हाँ। मैं कोशिश करता हूँ, कोई प्रिपरेशन नहीं है। आप सुनिएगा भाइयों बहनों, मेरे देश में ये जो क्रिकेट है ये एक जुनून है, और इसलिए ये दुबई में दो भाई खेल रहे हैं। मेरा क्रिकेट से बहुत पुराना नाता है, मैंने पाकिस्तान को बहुत बार पिटते हुए देखा है, और मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब सचिन ने पॉइंट पर से छक्का मारा ना, मुझे ऐसा लगा मानो सीमा पर किसी ने तिरंगा गाड़ दिया हो। और इसलिए मैं चाहता हूं कि कोहली भी मारे, रोहित भी मारे, और इतना मारे कि आगे से पाकिस्तान के बॉलर कभी गेंद करने की हिम्मत ना कर सके। और मैं अपने खिलाड़ियों से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बॉलर के कोई भी गेंद न पकड़े, कोरोना चल रहा है, वे थूक बहुत लगाते। क्या बात है, कोरोना का जिसने जिक्र किया भाई ने, कुछ जांच जरूरी है अभी लैब के लिए, एक फोन घुमानी है जरा कैब के लिए, फिर देखिएगा आपकी इस बार खेल में, ठाकुर बनेंगे काल जी सोएब के लिए, ठाकुर बनेंगे काल सोएब के लिए। सोएब है उसमें, फिर भी पता नहीं क्या देखा उसने। सोएब कैब की बात की ना, हम जैसे दिल्ली में कैब बुक करते रहो गाड़ियां आती है, दुबई में कैब बुक करो तो ऊंट आते हैं। पाकिस्तान से मैच आधा देश हमारा इस नजर से देखता है कि भाई पाकिस्तान से मैच होगा तो वर्ल्ड कप हमारा होगा। हमारा वर्ल्ड कप क्या है, हमारी छोटी सी दुनिया में पाकिस्तान को पीट दो हमारी देशभक्ति पूरी हो जाती है, हमारी देशभक्ति सही। तो पाकिस्तान को मारो तो हमारा तो वर्ल्ड कप भी वही है, और हमारा ओलंपिक सब कुछ हमारा वही है जी। तो पाकिस्तान से हम जीतेंगे, और बिल्कुल निश्चित रूप से दिवाली मनेगी। मैं दीपक हूँ तो मैं खुद भी जल जाऊंगा इस जीत के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है महफिल कुछ इसी तरह की जमती है, और हर कोई टीवी स्क्रीन से हटना नहीं चाहता है। आप भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे होंगे, तो कोशिश यही है। लेकिन हाँ, जीत हिंदुस्तान की पक्की। हम सभी की तरफ से टीम इंडिया को गुड लक, ऑल द बेस्ट। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।